So students, here we have a particle which is moving along the x-axis with its coordinate with time t is given to you. So coordinate, let this assume as particle A. So its coordinates are 10 plus 80. So this is the position of the particle at time t. And another particle moving along y-axis with its coordinates as a function of time. So let this be particle B. So coordinate of particle B at time t is y along the y-axis is 5 minus 8 t cube. Okay. So this is along x-axis. Now, what will be the, so you can write this along y-axis. So if you want to write it in magnitude form, means a vector form, so I cap vector form J cap. Is this clear? Now, at 1 second, so when time is 1 second, the speed of the second particle, okay, speed of the second particle means VB, as measured in the frame of first particle, means, so this is the frame and this is the velocity you are finding. So you have to, it is given that at 1 second, relative velocity of B with respect to A, means measured in the frame of A, is root V. And you have to find the value of V. So simply find the value of VA and VB. So what will be VA? That will be differentiating it. So what will you get? This is zero constant, differential of constant. 8t ka kya jayega? 8, 3t square. So 3 to the 6. So minus 6t i cap. Or VB kya jayega? VA kya hai? डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो वी भी उसी तरीके से डी वाई बी बाय डी टी. तो इसको करो डिफरेंशिएशन, इसका कांस्टेंट का जीरो, इसका क्या आ जाएगा? माइनस थ्री इंटू एट टी रेस वा थ्री माइनस वन, दैट इज टू जे कैप. सो दैट इज माइनस 24 टी स्क्वायर जे कैप आ गया. अब टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो फाइंड वी ए बी क्या हो जाएगा आपका? तो ये इक्वेशन वन, ये हो गया आपकी इक्वेशन. तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. तो इक्वेशन वन से वी ए की वैल्यू पुट करो, तो 8 माइनस 6t आई कैप, और यहां से वी बी की वैल्यू पुट करो, -24. सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और सारा जे कैप है तो हाँ भाई आयुष, यही सर. वी हैव टू फाइंड वी बी एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 आल्सो. टी इक्वल्स टू वन. हाँ यही मैं आपसे पूछा, क्योंकि यहाँ गिवन क्या है? टी इक्वल्स टू वन, तो टी की जगह वन लिख दो. तो क्या क्या बन जाएगा आपका? 8 माइनस 6 प्लस 20 जे कैप. ओके. सर इट इज आई कैप ऑल्सो 8 माइनस 6. हाँ सॉरी 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 सॉरी, 8 माइनस 6 आई कैप प्लस 24 जे कैप. ओके, तो 8 माइनस 6 तो कितना बन गया? 2 i कैप प्लस 24 j कैप. तो ये तो वी ए बी लिख दिया हमने, लिखना क्या था? वी बीबीए वी बी ए. तो इसका उल्टा हो जाएगा फिर, ये लिखना ही नहीं था एक्चुअली. तो वी ए बी वी बी ए चलो लिख दिया, तो वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी. ओके, तो क्या हो जाएगा? -2 i कैप -24 जे कैप. और स्टूडेंट्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो ये तो आपको पता है, दिस इज, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर है वी एक्स वी वाई,
और यू राइट इट एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वी बी ए। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड तो सेम निकलता, अगर आप यहां से निकालते तो भी वही निकलता, वी ए बी एंड वी बी ए मैग्नीट्यूड इज सेम बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, चलो डजंट मैटर। तो वी बी ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और ये कितना आया अंडर द रूट 580, राइट। तो हमें सो दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट वी, तो दिस गिव्स वी इज इक्वल टू 580 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स।